फिर से आप सभी के साथ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ अपने चैनल पे मौजूद हूँ एजुकेशनल हाइक पे। और आज यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फिगर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ आपके पॉलिटिकल साइंस के यानी कि सिविक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर बेस्ड क्वेश्चन हम उन्हें कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इनफैक्ट मैंने सभी फिगर बेस्ड क्वेश्चन को कवर कर दिया है, दो नंबर के आने हैं, इनको कवर करने में कोई ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, तो वन बाई वन आप देखते चलिए। और फिगर बेस्ड क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फिगर को देखिए, उसमें हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद फिर अपने 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 थिंकिंग से अपने ओपिनियन सोचिए कि ये पर्टिकुलर जो आपका फिगर है वो क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है। ठीक, तो फिगर बेस्ड क्वेश्चन को आप रट नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, रट नहीं सकते हैं, आप समझिए फिगर को, समझिए कि फिगर की सिचुएशन क्या है, ये फिगर क्या डिपिक्ट कर रहा है, उसके बाद फिर अपने अकॉर्डिंग आप जजमेंट लीजिए और ऑप्शंस को टिक करिए। तो हम आते हैं सिविक्स के फिगर बेस्ड क्वेश्चन पे जो मैंने कवर किया है आप सभी के लिए। तो आइए देखते हैं। पहला देखिए, ये पर्टिकुलर फिगर जो आपका है, ये पर्टिकुलर फिगर आपका दिखा रहा है कि एक पर्टिकुलर गाड़ी है जिसमें दो स्टेयरिंग है, तो किसी भी गाड़ी में दो स्टेयरिंग नहीं होती, ऑब्वियस सी बात। ये शो कर रहा है प्रॉब्लम, एक ऐसी कोलिएशन, जो कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी प्रॉब्लम को शो कर रहा है। कोलिएशन कैसी गवर्नमेंट होती है, कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टियाँ मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे शो कर रहा है कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें दो स्टेयरिंग है, एक ऐसी गाड़ी चलाई जा रही है जिसमें दो स्टेयरिंग, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें दो पार्टियाँ हैं या दो से ज़्यादा। ठीक, तो ये पर्टिकुलर फिगर आपके कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के प्रॉब्लम को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये दो बहुत ही फेमस, क्या कहते हैं, दो बहुत ही बड़ी कंट्री है, उन दो बड़ी कंट्रियों के प्रेसिडेंट थे, एक आपके बुश जी और एक आपके व्लादिमीर पुतिन, तभी भी रशिया के हैं, और वो आपके जॉर्ज बुश जी थे आपके अमेरिका के। तो ये दोनों के हाथ में पावर थी। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि पूरे के पूरे कंट्री की जो, पूरे वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसी थी, सॉरी, वो इन्हीं दो पर्सन के हाथों में हुआ करती थी। ठीक है, आज भी आप देखते हो कोई भी बड़ा डिसीजन होता है, कोई भी बात होता है, तो वो यूएन तक पहुँच जाता है, और वहाँ पर यूएस और यूएसए, ठीक है, यूएसएसआर और यूएसए वगैरह का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पर्टिकुलर पिक्चर आपके रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड, पावर केवल कुछ ही पर्सन के हाथ में है। ठीक, थर्ड फिगर आपका क्या शो कर रहा है, देखिए, ये आपके इंडिया में आपके जो फेडरल सिस्टम है वो होल्डिंग टुगेदर है। यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल है स्टेट गवर्नमेंट के कंपेरिजन में। यहाँ पे क्या होता है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपने गिवन सब्जेक्ट्स पे ही वर्क करते हैं, अपने एक ज्यूरिडिक्शन तक, ठीक है, उसके बाहर उनकी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। इस पर्टिकुलर फिगर में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी स्टेट हैं आपके, सभी स्टेट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाकर और पावर की डिमांड कर रहे हैं कि हमें और पावर दीजिए, हमें और पावर दीजिए, कटोरा लेके जैसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें पावर दो, ठीक है भैया, बस। नेक्स्ट, ये भी कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए बहुत सारी, देखिए साइकिल बनी हुई है, इसके बाद न जाने क्या क्या, कौन कौन से पार्टी का सिंबल बना हुआ है, सभी पार्टियां मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है और उस गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। तो ये कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और इस कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो बेचारा बैठा हुआ व्यक्ति, बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे देश के, बहुत ही महान प्रधानमंत्री, जो आज हमारे बीच में नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो इस पर्टिकुलर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और इस कोलिएशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को वो रन करवा रहे हैं। ठीक, अब ये पर्टिकुलर फिगर क्या शो कर रहा है कि सारे, देखो पार्लियामेंट हाउस है हमारा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर जितने भी गेट्स हैं सभी गेट्स पे आपके मेन पर्सन आपके खड़े हो गए हैं, और फीमेल बिचारी बाहर एक बिल लेके खड़ी हुई है कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहिए आपके सारे के सारे पॉलिटिकल डिसीजन में या पार्लियामेंट हाउस में। तो वो सारे गेट आपके, क्या कहते हैं, गेट पे खड़े हो गए हैं और वो वुमेन्स को अंदर आने की, मतलब आने नहीं दे रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा था वुमेन रिप्रेजेंटेशन बिल डज नॉट गेट सपोर्ट इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वुमेन बिल के पास होने के पीछे आपके उससे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वुमेन बिल के पास होने के पीछे उसके फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये पर्टिकुलर फिगर देखो, फिगर देख के भी कुछ चीज़ों को समझा जा सकता है। वोट बैंक की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई एक सिंगल कम्युनिटी एक वोट बैंक का वर्क करती है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर आपकी कम्युनिटी से उसको लार्ज अमाउंट में वोट मिलते हैं, तो वह एज अ वोट बैंक वो कम्युनिटी उसके लिए वर्क करती है। तो यहाँ पे बात हो रही है राधिको राजपूत, यादव, SC ST, अहीर, कुर्मी, गुज्जर वगैरह वगैरह, देखो बहुत सारे लोहार वगैरह वगैरह, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के नाम ऐसे लॉकर के ऊपर लिखे गए हैं, और ये सारे इनके सबके लिए वोट बैंक का वर्क करते हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे ये बताने का मतलब हो रहा है कि ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ इनको लार्ज नंबर ऑफ वोट्स आते हैं। ये सेकुलरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसी कुर्सी देखो दिखे ना, नहीं सारे रिलीजियस के सिंबल्स बने हुए हैं, तो सेकुलर मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया भी एक सेकुलर स्टेट है जहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है, ये कम्युनल स्टेट नहीं है। कम्युनल स्टेट्स ऐसे स्टेट्स होते हैं जो रिलीजन के बेसिस पर रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं पाकिस्तान, सऊदी अरब, एक इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक रिलीजन के बेसिस पर हमने इन कंट्रीज़ को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर फिगर आपके सेकुलर मॉडल को शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ये वुमेन परसेप्शन को शो कर रहा है कि जो भी हमारी पैट्रियार्चल सोसाइटी है, पैट्रियार्चल सोसाइटी में सभी मेन पर्सन को अपने परसेप्शन को चेंज करना चाहिए और वुमेन्स को भी थोड़ा सा वैल्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए ताकि वो भी समाज में आगे बढ़ सकें, अपलिफ्ट कर सकें। तो परसेप्शन ऑफ आइडल वुमेन इन सोसाइटी को ये फिगर पर्टिकुलर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रिप्रेजेंट कर रहा है रोल ऑफ मनी एंड पावर इन इलेक्शन।
जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आपके जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं जो इलेक्शन में फाइट करते हैं, वो इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मनी का, बहुत ज़्यादा पावर का और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मल प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हैं ताकि वो इलेक्शन को जीत सकें। तो ये फिगर आपके शो कर रहा है क्या कहते हैं रोल ऑफ मनी और पावर, इलेक्शन में मनी और पावर के रोल को शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट ये शो करा कि एक डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है और इस प्रेशर से निपटने के लिए वो वेरियस इश्यूज़ को कैसे एकोमोडेट करते हैं, कैसे उस वेरियस इश्यूज़ को वो सॉल्व करते हैं। ठीक, ये एक बहुत ही फेमस पर्सन है जो एक इटालियन क्या कहते हैं आपके इटालियन पॉलिटिशियन है जिनका नाम है बार्लुस्कोनी। बार्लुस्कोनी आपके, तो बार्लुस्कोनी आपके एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है इटालियन के। ये फिगर, ये कार्टून उन्हीं को शो कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट है एक ऐसी कंट्री जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। देखो वन पार्टी कंट्री मतलब किसी भी, आप चाइना है, चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम है, जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन आपकी पार्टी नहीं बना सकते। वहाँ पर सेंसरशिप में बैन है, वो लोग अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करने का अधिकार नहीं है। तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप है, वन सिंगल पार्टी सिस्टम है, वोट देना है तो एक ही पार्टी को, तो अदरवाइज नहीं दे सकते हो। ठीक, तो ये पर्टिकुलर फिगर आपके शो कर रहा है कंट्री विच गवर्न बाई सिंगल पार्टी। ओके, नेक्स्ट है दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के ट्रांसपेरेंसी को ये शो कर रहा है कि जो भी गवर्नमेंट वर्क करेगी वो पब्लिक को सब दिखाया बताया जाएगा और पब्लिक के भी सारे रिकॉर्ड आपके गवर्नमेंट के पास होंगे। ठीक, ये दिखा रहा है इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ। ये पिक्चर शो कर रहा है कि रिच और पुअर के बीच में जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी गई है, वेल्थ को लेकर उनके बीच में जो इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी गई है, ये पर्टिकुलर फिगर इस चीज़ को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैनेडियन, देखो इसमें व्यू दिया गया है कि 27 कैनेडियन चाहते हैं कि लिबरल्स की पावर में और 35 कैनेडियंस चाहते हैं कि कंजर्वेटिव्स को चांस दिया जाओ, 98 कैनेडियंस चाहते हैं कि सारे के सारे पॉलिटिशियंस को गाड़ी में भर के नायग्रा फॉल से नीचे फेंक दो। तो यहाँ पे ये फिगर ये शो कर रहा है दिस पिक्चर रिप्रेजेंट दैट द कैनेडियन वांट्स अ पॉलिटिकल फ्री कंट्री। वो पॉलिटिशियन फ्री कंट्री चाहते हैं, कौन? कैनेडियंस। नेक्स्ट ये शो कर रहा है कि बेचारा गरीब सा लड़का फटे पुराने कपड़े पहने हुआ, उसका मुंह उसिल दिया गया, बोल नहीं सकता। मतलब कि बताया जा रहा है कि जो पुअर पर्सन होते हैं वो स्पीचलेस होते हैं, उनके पास कोई भी पावर नहीं होती, वो सोसाइटी में अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये इकोनॉमिक डिस्पार्टीज को शो कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पार्टीज को शो कर रहा है एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्या कहते हैं पूरे के पूरे आपके क्या कहते हैं फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे सिविक्स से। इन फिगर बेस्ड क्वेश्चन को कवर करने से एक या दो दो नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे और जाहिर सी बात है इसके बाहर का नहीं आना है क्योंकि मैंने सारे फिगर बेस्ड क्वेश्चन को कवर कर लिया है। फिगर बेस्ड क्वेश्चन को कवर करने का मैंने बताया ना, रट के आप इसे नहीं कर सकते, आप इसको केवल समझ कर सकते हैं। आप फिगर्स को पढ़िए, समझिए, ऑब्जर्व करिए और ये आप जानने की कोशिश करिए अपने ओपिनियन से कि वो क्या डिपिक्ट कर रहा है। ठीक, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि आप प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा 12 तारीख से लेकर 18 तक, 12 टू 18 आप लोग बने रहिएगा एजुकेशन हाइक के साथ। ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।